ये हमारा जिम है, ये हमारे जिम के ओनर हैं। तो ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? हम लोगों को गेम पे लगा के, एक्सरसाइज पे लगा के खुद ये काम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज संडे है, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, तो आज इंशाल्लाह आपके साथ आज का दिन शेयर करेंगे हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। काफ़ी लेट उठा था क्योंकि सर में थोड़ी सी दर्द थी, तो अभी इंशाल्लाह शावर लेके तो तैयार होके आपसे बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह। जी मैं रेडी हो गया हूँ, तो अभी शावर लिया था, कुछ इस हिसाब से रेडी हुआ कि आज एक दो काम है करना, उसके साथ जिम क्योंकि आज कहीं जाना है, मैं सरप्राइज़ है कुछ, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है कुछ बातचीत भी आपसे करेंगे, लेकिन कुछ काम थे तो मैंने उसी हिसाब से रेडी हुआ था। कुछ सर में दर्द था, लेकिन आपको पता जो जिम करता है उसको जिम से आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि सुबह मैंने कुछ खाया था लेकिन नॉर्मल सा सोते हुए, क्योंकि नॉर्मल सी मतलब ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके बाद लो कार्ब में मैं चल रहा हूँ आजकल, तो अभी जो है लंच करेंगे, लंच के बाद प्री वर्कआउट आपके सामने लेंगे, क्योंकि मैं अभी कहीं जा रहा हूं तो रास्ते में ही प्री वर्कआउट आपके सामने वीडियो में ही लेंगे। एक दो काम है उसके साथ, थोड़ा सा जिम करेंगे क्योंकि मैंने कहीं जाना है, तो बाकी आपको बताते रहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं क्या क्या खा रहा हूं। जी ये मेरा लंच है, लंच में एक प्याली दही, उसके बाद थोड़ा सा प्याज मतलब लगा ले तीसरा हिस्सा प्याज का नॉर्मल साइज का, एक आधा टमाटर, उसके बाद एक खीरा। वैसे तो आधा खीरा मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन क्योंकि खीरा मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं पूरा ही ऐड कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा सबसे ज़रूरत नमक, अगर तो प्याज की अगर आपको प्रॉब्लम है, प्याज अगर वो है कड़वा लगे तो आपको अजीब सा लगे, तो आप नमक भी लगा सकते हैं बाद में ऐड करने की जरूरत, उसको धो के उसमें शामिल कर लेंगे तो इसका एक थोड़ा सा टेस्ट बनता है। आपको खीरा यानी आपको डाइट के लिए खीरा यानी सलाद की किस्म का एक सलाद है, इसको वैसे दही सलाद हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के तो चेक करता हूँ। जी मैंने इसको मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करने के बाद हसपे ज़रूर नमक इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, ताकि लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा कि मुझे थोड़ा सा असर में दर्द है, मुझे लगा है शायद बीपी थोड़ा सा तेज़ है इसलिए मैं नमक नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद। तो खाते वक्त मैं नहीं बात करता, खाने के बाद आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। जी तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, अब हम जाएंगे। प्री वर्कआउट इसलिए मतलब लंच इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कुछ काम थे, काम के बाद कहीं जाना था, मैंने आपको बताया भी था। ये नॉर्मल सी मेरी सिंपल सी गाड़ी है आल्टो, ठीक है, तो हम चलेंगे कहीं जाना है मैंने, तो उधर एक दो काम है, तो काम तो नहीं आपको दिखा सकूंगा लेकिन हमारे साथ। उसके बाद हम जिम भी करेंगे, जिम भी आपको कुछ थोड़ा सा उसमें बताऊंगा प्रोटोकॉल कैसे, प्री वर्कआउट हम लेंगे, उसके बाद कुछ आपको आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे। आइए मेरे साथ ही रहिएगा। मैं कुछ अपने काम सारे ख़त्म ही कर चुका हूँ कि जो है मुझे कुछ काम थे, एक दो जगह पे जाना था, तो वो काम मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो अब एक दो काम ऐसे थे कि जहाँ मुझे आज पहुँचना था, लेकिन मुझे कुछ माइंड में जेन में नहीं रहा कि आज संडे है, तो मैं उस हिसाब से तैयार होके निकला था कि मेरा टाइम लग जाना मुझे, तो क्या है कि वो संडे है, कुछ ऐसे काम थे, एक जगह पे एक दुकान पे जाना था, दुकान भी संडे की वजह से क्लोज थी, और एक दो ऑफिस में जाना था, मैं कोरियर सर्विस में कुछ सामान आया था, तो उन लोगों की यानी कल कॉल आई थी मुझे कि सामान है आपका आया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जब आएगा, मेरी सोच थी मैं आपको वो दिखा दूं, लेकिन कुछ ऐसे मसले थे कि मतलब आज संडे था तो मुझे कुछ मिला नहीं। अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है कि आपको पहले भी बताया कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मेरे साथ मसले मसाइल होते हैं कि वो आपको चल के थोड़ी आगे बताता हूँ। तो अभी क्या है कि कुछ मैंने प्री वर्कआउट लेना है क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, क्योंकि पहले नॉर्मल टाइम पे मैं 6:30 पे वर्कआउट करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि कहीं जाना तो मैं सोच रहा हूँ 5 ही वर्कआउट करूँ। जी ये हमारा जिम है, ये हमारे जिम के ओनर हैं। तो ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? बी प्रो। देखिए हम लोगों को गेम पे लगा के, एक्सरसाइज पे लगा के खुद ये काम किए जा रहे हैं, बताओ जरा, देखिए जरा कैसे। अब आप ही बताइएगा कि मैंने तो कभी पबजी खेली नहीं है, आप ही बताइएगा कैसे खेल रहे हैं ये भाई। चलो मैम ट्रेडमिल करते हैं,
जी तो मैं वर्कआउट खत्म कर चुका हूँ, तो अभी घर जाने का इरादा है। तकरीबन अभी मगरब की अजान भी होने वाली है, तो कहीं आपको पहले मैंने बता दिया कहीं जाना है। तो वर्कआउट खत्म करने के बाद हम अब घर जाएंगे। घर जाने के बाद एक आपको बोला था कहीं जाना है, तो इंशाल्लाह आपके साथ ही चलेंगे, आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। जो बॉडी बिल्डर या कोई भी, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि वर्कआउट देखना तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे। अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद फिर जो है नॉर्मल सा प्री वर्कआउट हम लेते हैं, नॉर्मल मतलब देसी प्री वर्कआउट। पहले हम लेते थे प्रोटीन शेक वगैरह, अभी प्री वर्कआउट नॉर्मल लेता हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं घर। जी ये हमारा पोस्ट वर्कआउट है, ठीक है। तो इसके बाद साथ में गरम दूध, वो कभी अभी गरम हो रहा है। तो मैंने कहीं जाना था लेकिन वर्कआउट काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो अब जिसमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।